वेलकम टू मॉक एंड परमाणु वोकैब सेशन जुलाई 21। और आज का सबसे पहला वर्ड है स्प्रूस। स्प्रूस का वर्ड होता, स्प्रूस वर्ड का मतलब होता है नीट इन ड्रेस एंड अपियरेंस, यानी कि साफ सुथरा। ये ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्प्रूस हमेशा। तो स्प्रूस का वर्ड मतलब होगा साफ सुथरा ड्रेसिंग स्टाइल या फिर अपियरेंस, जो आदमी साफ सुथरा दिखाई देता हो। एंजेला वॉज ए वेरी स्प्रूस एंड टाइडी पर्सन, यानी कि साफ सुथरी और सुंदर थी। सेकंड जो वर्ड है वो है टम्बल। टम्बल होता है फॉल सडनली, हेड लॉन्ग फॉल, यानी कि मुंह के बल गिर जाना, उसको बोलते हैं टम्बल। टम्बल वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। आई टू के टम्बल इन द नेटल्स, मुझे मैं झाड़ियों में अगर गिर गया। शी पिस्ड फॉरवर्ड टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स, और वो मुंह के बल गिरती हुई स्टेयर से नीचे आई। थर्ड जो वर्ड है वो है टसल। टसल होता है एंगेज इन विग्रस स्ट्रगल और स्कफल, या फिर लड़ाई और संघर्ष में इंगेज रहना, उसको बोलते हैं टसल, यानी कि लड़ाई हो जाना, टसल बोलते हैं। द डेमोन्स्ट्रेटर, इसको डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटर बोलेंगे, DE डिमोन्स्ट्रेटर टसल्ड विद पुलिस, उनकी संघर्ष या लड़ाई हो गई किसके साथ, पुलिस के साथ। फोर्थ जो वर्ड है वो है शिरकर। शिरकर बोलते हैं इसको जनरल इंडियन लैंग्वेज में, लेकिन इसको बोलते हैं, इसकी जो प्रोनंसिएशन होगी वो होगी सीकर। सीकर, अवॉइडर ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कामचोर व्यक्ति। डेरेलिक्ट भी इसको ही बोलते हैं, डेरेलिक्ट कामचोर, जो अपना काम ना करे समय पर या फिर भागे काम से, जी चुराए, उसको हम बोलते हैं सीकर। ही अवॉइड और नेगलेक्ट हिज ड्यूटी, सो ही इज ए सीकर। फिफ्थ जो वर्ड है वो है, जनरली इसको सैनिटी बोला जाता है लेकिन होता है सेनेसी। साउंड और गुड मेंटल हेल्थ, यानी कि अच्छे विवेक वाला व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक हो और वो अच्छे जजमेंट ले सके, उसको बोलते हैं सेनेसी। आई बिगेन टू डाउट माई ओन सेनेसी, यानी कि मुझे अपने ही विवेक पर अब संदेह हो रहा है। सिक्स जो वर्ड है वो है डिफंक्ट। डिफंक्ट होता है डेड और इनएनिमेट, यानी कि मृत हो जो। हिज लैपटॉप बिकम डिफंक्ट, यानी कि डेड। सेवंथ जो वर्ड है वो है प्राइसी। प्राइसी मतलब एक्सपेंसिव। एंड एट्थ वर्ड है रीअकरेंस, यानी कि रिपीटेशन, किसी चीज़ का दोबारा घटना। ए ड्रग यूज टू परवर्ट द रीअकरेंस ऑफ कैंसर, परवर्ट का मतलब होता है पथभ्रष्ट करना, अवॉइड करना सिचुएशन को या फिर टालना। अगर आपको ये दवाई कैंसर को दोबारा होने से टाल सकती है,